आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों। महात्मा गांधी बस स्टेशन में पुलिस की जानिब से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। स्टेशन पर ईस्ट जोन के डीसीपी गिरिधर की हिदायत पर पुलिस 150 पुलिस अहलकारों के साथ तलाशी ली गई। इस तलाशी के दौरान डॉग्स का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस की भारी तादाद ने कल शब शहर के इस अहम स्टेशन पहुंचकर मुसाफिरों के सामान की तलाशी ली और कई मुसाफिरों से उनके आधार कार्ड दिखाने को भी कहा गया। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में पुराने शहर के बशमूल नए शहर के मुख्तलिफ मुकामात में रातों को पुलिस की तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी गई है। पुराने शहर के कई इलाकों में रातों में सड़कों पर गैर ज़रूरी घूमने वाले नौजवानों को पकड़कर उनके वालिदैन की मौजूदगी में उनकी काउंसलिंग की जा रही है। पुलिस ने उड़ीसा के एक शख्स को हैदराबाद में गांजा चॉकलेट फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में शहर के मुजाफात में वाक़ बालनगर इलाके में ये शख्स गांजे की चॉकलेट फरोख्त कर रहा था। इस शख्स की शिनाख्त अनंत कुमार बारिक के तौर पर की गई है। बालनगर पुलिस ने इसकी दुकान पर छापा मारा और 140 गांजा चॉकलेट को जब्त कर लिया। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।